शासन ने प्रदेश के सभी जिलों में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रात्रि कर्फ्यू को खत्म कर दिया है, जिसके संबंध में एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने बताया कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शासन ने रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रदेश के सभी जिलों में रात्रि कर्फ्यू लगाया था। अब जबकि कोरोना मरीजों की संख्या घट रही है, जिसको देखते हुए शासन ने रात्रि कर्फ्यू को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। अब कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी 24 घंटे आ जा सकेगा। उन्होंने कहा कि लेकिन सभी लोगों को कोविड गाइडलाइन का पालन करना होगा और घर से बाहर निकलते हुए मास्क लगाना होगा, क्योंकि अभी केवल संक्रमण की दर घटी है, ना कि कोविड समाप्त हुआ है। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि सोशल डिस्टेंस व मास्क का प्रयोग करते हुए कार्य करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने कहा, शासन ने कोरोना के घटते संक्रमण को देखते हुए नाइट कर्फ्यू समाप्त कर दिया है। अभी तक शासन द्वारा जो गाइडलाइन निर्धारित थी उसके तहत रात्र 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू चल रहा था, किंतु जिस तरह से कोविड के केसेज कम हो रहे हैं और लोगों में संक्रमण का दर घट रहा है, उसको देखते हुए शासन ने नाइट कर्फ्यू का आदेश समाप्त कर दिया है और अब 24 घंटे कोई भी व्यक्ति कहीं भी आने जाने के लिए स्वतंत्र है। सर, कोविड का पालन करने के लिए भी कहा गया है? कोविड गाइडलाइन का पालन करने के लिए अभी भी निर्देश है, क्योंकि संक्रमण की दर घटी है, ना कि संक्रमण समाप्त हुआ है। और अभी भी जैसे कि गोरखपुर जनपद में कुल 327 एक्टिव केस हैं और कल भी 10 व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए हैं, तो इसको देखते हुए लोगों से ये अपील रहेगी हमारी कि मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और कोविड के जो भी गाइडलाइंस हैं उसका पालन करते रहें, ताकि उनके परिवार के किसी व्यक्ति को संक्रमण ना हो।